हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर इंग्लिश क्लास। टुडे आवर चैप्टर 13 इज़ अपोजिट्स। अपोजिट्स मीन्स उल्टा। ओके, द अपोजिट वर्ड मीन्स द वर्ल्ड गिव्स डिफरेंट मीनिंग एज मच एज पॉसिबल। अपोजिट का ये मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो कि बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देता है, उसका उल्टा मीनिंग देता है, उसे हम अपोजिट कहते हैं। वर्ल्ड एंड अपोजिट। सूप इज़ हॉट। सूप कैसा है? हॉट है, गर्म है। एंड आइसक्रीम इज़ कोल्ड। आइसक्रीम ठंडी है। बबलू इज़ फैट। बबलू मोटा है। राजू इज़ थिन। राजू पतला है। सनराइजेज इट्स डे। सनराइजेज सूरज उगा हुआ है, तो ये डे का टाइम है। मून कम्स इन नाइट। मून रात में आता है। तो ये सब वर्ड अपोजिट हैं, जैसे हॉट कोल्ड, गर्म ठंडा, फैट थिन मोटा पतला, डे नाइट दिन रात। ओके, नेक्स्ट पेज इज टॉल शॉर्ट। ओके, लंबा छोटा, अप डाउन ऊपर नीचे, इन आउट अंदर बाहर, ओपन क्लोज बंद खुला, हॉट कोल्ड गर्म ठंडा, फैट थिन मोटा पतला, हैप्पी सेड सैड खुश उदास, डे नाइट दिन रात, सिट स्टैंड बैठा खड़ा, गुड बैड अच्छा बुरा, कम गो आना जाना, हियर देयर यहाँ वहाँ, फास्ट स्लो तेज धीरे, लॉन्ग शॉर्ट लंबा छोटा, रिच पुअर पैसे वाला गरीब, सेल बाय बेचना खरीदना, ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम, क्लीन डर्टी साफ गंदा, राइट लेफ्ट दायां बायां, अर्ली लेट जल्दी देर से, हाई लो ऊंचा लो नीचा, कंप्लीट इनकम्प्लीट पूरा अधूरा, फिट अनफिट जो एकदम फिट हो स्वस्थ हो, अनफिट जो अस्वस्थ हो, लाइक डिसलाइक पसंदीदा नापसंद, नॉर्थ साउथ। ओके, एंड नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण, स्ट्रॉन्ग वीक मजबूत कमज़ोर, पॉसिबल इम्पॉसिबल संभव असंभव, थिन थिक पतला मोटा या घना, विजिबल इनविजिबल दृश्य अदृश्य जो दिखाई देता है जो नहीं दिखाई देता है, फ्रेश स्टैल ताज़ा बासी। ओके, टोटल 30 अपोजिट्स आर हियर। सो रीड फ्रॉम योर बुक अपोजिट्स एंड लर्न ऑल्सो। नाउ एक्सरसाइज, राइट द अपोजिट्स। रिटन एक्सरसाइज। टॉल शॉर्ट, फ्रेश स्टैल, फ्रेश मतलब ताज़ा, स्टैल मतलब बासी, हाई लो, कंप्लीट इनकम्प्लीट, विजिबल इनविजिबल, स्ट्रॉन्ग वीक, राइट लेफ्ट, अर्ली लेट, फास्ट स्लो, ओपन क्लोज, विजिबल इनविजिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 2 नंबर, राइट द सेंटेंसेज यूजिंग अपोजिट। यहाँ पर आपको दोबारा सेंटेंस लिखना है अपोजिट का यूज़ करके। ओके, 1 नंबर, द बॉय स्टैंडिंग देयर इज़ फैट। जहाँ पर लड़का खड़ा है, द बॉय स्टैंडिंग देयर, वहाँ पर जो लड़का खड़ा हुआ है वो फैट है, तो हमको लिखना है द बॉय स्टैंडिंग देयर इज़ थिन। फैट का क्या लिख देंगे हम? थिन। ओपन द डोर, तो हम ओपन द डोर, डोर खोलो, क्लोज द डोर दरवाज़ा बंद करो। माई हाउस इज़ नॉर्थ फेसिंग, मेरा हाउस नॉर्थ फेसिंग में है, तो माई हाउस इज़ साउथ फेसिंग, नॉर्थ को साउथ कर देंगे हम। हर हेयर इज़ लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं, तो हर हेयर इज़ शॉर्ट, लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा। शी इज़ अ रिच गर्ल, शी इज़ अ पुअर गर्ल, रिच का पुअर हो जाएगा अपोजिट। ओके, सो डू लाइक दिस properly write the sentences using opposites. Okay, so read this lesson from your book proper and learn and read this exercise also and do in your English copy.